तो भाइयों आपको पता ही होगा कि कॉजिक बैट ने कुछ टाइम पहले एक गेम पैड लॉन्च किया था क्वांटम नाम का, लेकिन ये गेम पैड उनके पुराने गेम पैड स्ट्रेटस ज़ेनॉन से काफी मिलता जुलता है। एंड कईयों को कंफ्यूजन था कि भाई इन दोनों में से किसी गेम पैड को खरीदें तो आखिर कौन सा। तो लो भाई आपने वीडियो डिमांड करी और हम ले आए, भले ही थोड़ी सी देरी हो गई है। वैसे मैंने इन दोनों ही गेम पैड्स पे कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और आगे भी करता रहूंगा, मेरे चैनल पे आप सभी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स इस वीडियो के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट फलाना ढमकाना सब कुछ कर दो बस इसी वक्त। सभी डिफरेंसेस देखने से पहले हम सबसे पहले इन दोनों में सभी मिलती जुलती चीजें यानी कि सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। और सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही कंट्रोलर्स कॉस्मिक बाइट के हैं, दोनों ही वायर्ड और ब्लूटूथ मोड्स में काम करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों को पीसी में ब्लूटूथ मोड पर चलाने के लिए हमें DS4 विंडोज जैसी ऐप को सब टाइम खोले रखना होगा। दोनों गेम पैड्स के साथ एक ही सेम डोंगल कंपैटिबल भी है जो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये डोंगल सिर्फ पीसी पे ही काम करेगा दोनों गेम पैड्स के लिए। दोनों के बॉक्स में हमें सिमिलर चीजें मिलती हैं, यूजर मैनुअल चार्जिंग केबल एंड गेम पैड। दोनों गेम पैड्स में एक एक साल की वारंटी मिलती है, दोनों गेम पैड्स में एक एक रीसेट बटन भी दिया गया है। दोनों में हमें ट्रैक पैड्स एंड हेडफोन जैक्स मिलते हैं जो आप कंपैटिबल कंसोल्स पे यूज कर सकते हो। ट्रैक पैड को आप पीसी पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ खास काम के नहीं है, स्पेशली पीसी पे कंसोल्स के लिए ही बने हैं ये। दोनों में ही बैकलिट एक्शन बटन्स मिलते हैं जिन्हें हम ऑफ भी कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए। दोनों में हमें मैग्नेटिक ट्रिगर्स मिलते हैं जिससे प्रिसिशन हाईली एक्यूरेट रहने वाला है। दोनों में ही हमें टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं चार्जिंग के लिए। पहले स्टेटस ज़ेनॉन में माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता था जो अपडेट कर दिया था कंपनी ने। मुझे दोनों ही गेम पैड्स में सिमिलर प्ले टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है फुल चार्ज करने के बाद, करीब 8 से 10 घंटों का, जो काफी है किसी के लिए भी अनलेस आपको कोई और काम ही नहीं है। दोनों में ही हैप्टिक फीडबैक बढ़िया है। एंड फाइनली दोनों में ही जायरोस्कोप भी मिलता है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की जो काफी ज्यादा हैं। दोनों के डब्बे यानी कि बॉक्सेस के कलर पैटर्न्स सेम हैं, इन पे फोटोज एंड इन पे लिखे नाम अलग हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टेटस ज़ेनॉन का डब्बा हल्का सा छोटा है एंड जहां ये साइड से खुलता है वहीं क्वांटम खुलता है ऊपर से। एक मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है कि क्वांटम का डब्बा हाई क्वालिटी मटेरियल का है, काफी मजबूत एंड टिकाऊ है। एंड क्वालिटी का डिफरेंस हम गेम पैड्स पे भी साफ साफ नोटिस कर सकते हैं। क्वांटम में हाई क्वालिटी मटेरियल यूज हुआ है कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये स्टेटस ज़ेनॉन से काफी भारी भी है। डिजाइन से पहले कलर की बात कर लेते हैं। दोनों ही एक एक कलर में अवेलेबल है। जहां स्टेटस ज़ेनॉन में हमें मैट ब्लैक कलर मिलता है, वहीं क्वांटम में हमें डस्की ट्रांसपेरेंट कलर मिलता है जो मुझे काफी पसंद आया। आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा कलर एंड डिजाइन ज्यादा पसंद आया। डिजाइन की बात करें तो क्वांटम एक प्लेस्टेशन स्टाइल गेम पैड है, लेकिन स्टेटस ज़ेनॉन एक Xbox स्टाइल गेम पैड है। लेफ्ट जॉयस्टिक एंड डी पैड की प्लेसमेंट्स डिफरेंट है दोनों में। हर एक बटन ट्रिगर बम्पर जॉयस्टिक सभी कुछ की क्वालिटी क्वांटम में ही बेटर है दोनों में से, एंड काफी अलग भी है। क्वांटम कंपैरिजन में काफी प्रीमियम लगता है, ना सिर्फ देखने में लेकिन पकड़ने में भी। और मुझे पर्सनली क्वांटम ही ज्यादा कंफर्टेबल लगा यूज करने में। जैसा कि कोई भी एक ही झलक में नोटिस कर सकता है, क्वांटम में हमें काफी ज्यादा RGB लाइट्स मिलती हैं कंपैरिजन में, और हम इन लाइट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। स्ट्रेटस में हमें सिर्फ एक्शन बटन्स पे एंड ट्रैक पैड के ऊपर ही लाइट्स मिलती हैं, और यही रीजन है कि दोनों को साथ में रखने पे स्ट्रेटस ज़ेनॉन बहुत बेसिक एंड फीका सा लगता है। लेकिन हाँ, डी पैड मुझे एटलीस्ट देखने में स्ट्रेटस ज़ेनॉन का ही ज्यादा पसंद आया, भले ही यूसेज में ये उतना भी अच्छा नहीं है। नॉर्मल डी पैड ही बेटर फील होता है क्वांटम का। एक तरफ हमें क्वांटम में एक स्पीकर मिलता है आगे की तरफ, वहीं स्टेटस ज़ेनॉन में हमें एक माइक का बटन मिलता है पीछे की तरफ। दोनों ही वन सेकंड कंपैटिबल कंसोल्स के लिए ही हैं, पीसी के लिए या फोन्स के लिए नहीं। क्वांटम में जो रीसेट बटन मिलता है वही इसका ऑफ बटन भी है। स्टेटस में कोई डेडिकेटेड ऑफ बटन तो नहीं मिलता, लेकिन हमें एक वर्क अराउंड जरूर मिलता है इसे ऑफ करने के लिए। जॉयस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस मिलता है दोनों में, क्योंकि क्वांटम में हमें मैग्नेटिक जॉयस्टिक्स मिलते हैं और स्टेटस में है नॉर्मल वाले। इसकी वजह से कंपैरिजन में डेड जोन स्टेटस में बहुत ज्यादा है क्वांटम से, जिसमें फिर डेड जोन ना के बराबर है। ट्रिगर्स की बात करें तो हमें दोनों में ही प्रेशर सेंसिटिव मैग्नेटिक ट्रिगर्स तो मिलते हैं, लेकिन क्वांटम में हमें इन्हें टैप ट्रिगर्स बनाने का भी ऑप्शन मिलता है इन लॉक्स की वजह से। ये ऑप्शन काफी यूजफुल हो सकता है शूटिंग गेम्स में। दोनों गेम पैड्स के पीछे हमें मैक्रो बटन्स भी मिलते हैं, लेकिन जहां क्वांटम में सिर्फ दो मिलते हैं बड़े साइज के, वहीं स्टेटस में मिलते हैं हमें चार छोटे साइज के। टर्बो फीचर भी हमें दोनों में मिलते हैं, लेकिन स्टेटस में जहां सिर्फ मैनुअल टर्बो मिलता है, वहीं क्वांटम में ऑटो टर्बो भी मिलता है, जिससे बटन दबाए बिना ही कोई भी पेड बटन अपने आप ही क्लिक होता रहेगा, आपको खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और हम टर्बो बटन की स्पीड को भी 3 लेवल्स में कस्टमाइज भी कर सकते हैं। भर भर के ऑप्शंस मिलते हैं क्वांटम में। बैटरी हमें क्वांटम में 1000 mAh की मिलती है, लेकिन स्टेटस में 1300 mAh की मिलती है। मगर गेम प्ले दोनों का ही मुझे बराबर मिल रहा है, तो कोई खास मैटर नहीं करती इनकी बैटरी, एटलीस्ट नंबर्स में। दोनों ही गेम पैड्स कंपैटिबल
अवेलेबल है विंडोज पीसी, एंड्रॉइड डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस, प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 पे भी। लेकिन हाँ, PS5 पे PS4 वाली गेम्स ही चलती हैं, और क्वांटम में एक और डिवाइस की कंपैटिबिलिटी मिलती है जो है निंटेंडो स्विच की। और फाइनली प्राइस की बात करें तो जहां इस टाइम पे स्ट्रैटस जेनन 2300 रुपए का मिल जाएगा, वहीं क्वांटम 700 रुपए महंगा है इससे। लेकिन अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड हैरीडब्ल्यू यूज करते हैं तो ये डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। कुल मिला के मेरी राय में अगर आपका बजट है एंड आप इन दोनों में से किसी एक गेम पैड को खरीदने की सोच रहे हैं तो आप क्वांटम को ही खरीदो। 650-700 रुपए के डिफरेंस में आपको काफी चीजें एक्स्ट्रा भी मिल रही हैं, एंड स्ट्रैटस तो वैसे भी काफी पुराना हो चुका है अब। लेकिन अगर आप फिर भी स्ट्रैटस को खरीदना चाहते हो तो भी ये कोई बुरा गेम पैड बिल्कुल भी नहीं है। मेरा स्ट्रैटस जेनन आज भी अच्छे से काम करता है एंड मैंने इस पे बहुत गेमिंग करी हुई है। आप बताओ आप कौन सा गेम पैड खरीदने वाले हो, एंड मेरे नए डिस्कॉर्ड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी आपसे डायरेक्टली। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक मेरी बाकी वीडियोस देखो एंड मजे करो। बाय।